हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए व्लॉग में। एकदम एनर्जी से भरा ये व्लॉग होगा क्योंकि आज हो रहा है हमारा मीट एंड ग्रीट वाला सीन, और आज हो रहा है यहाँ पे गेमिंग इवेंट स्ट्रीमर शोडाउन। क्या है क्या नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं, पर उधर ही जा रहे हैं हम लोग। और स्वागत है आपका गरुड़ा गेमिंग लाइव चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त अभिजीत.86 जो आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा है। बाकी कुछ नहीं, अभी निकल रहे हम लोग। हम एक्चुअली पहुंच गए वाशी में और हम जाएंगे अभी वाशी से डायरेक्ट सी वुड मॉल, और उस मॉल में जाके जो धिंगाना होने वाला है ना वो आप देखते रहना। बाकी मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि मुझे टिप मिली है कि वहाँ पे बहुत भीड़ होने वाली है। अभी देखते कितनी भीड़ होगी और कितनी अपनी श्रीमान फैमिली आने वाली है वहाँ पे हमें सबको देखने के लिए। बहुत एक्साइटमेंट है उस चीज की। वहाँ पे सुने हमारे बैनर भी लगे, बाप रे बहुत अच्छा लग रहा है। यानी गेमर है नहीं है पर बैनर विनर लग रहे, तो खुश हूँ मैं। मेरे साथ में है अपना बच्चा आयुष, पर मैटर ऐसा है कि वहाँ पे एंट्री मिलना मुश्किल है। तो अभी देखते क्या होता है क्योंकि वहाँ पे वो सब टिकट विकेट आधार कार्ड वगैरह ये वो सब चेक होने वाला है और उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। और आयुष का कुछ विषय ही नहीं था, उसको आज छुट्टी इसलिए वो अचानक से आ गया। अभी देखते अगर चांस मिला तो आएगा वो, नहीं तो फिर उसको किधर तो एडजस्ट करना पड़ेगा। पर मज़ा तो बहुत आने वाला है और ये मज़ा मैं आपको भी देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो कमेंट आने चाहिए 1000 और लाइक्स आने चाहिए यहाँ पे 30,000 लाइक्स इस वीडियो पे आने चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए अभी मिलते हैं मॉल में। तो दोस्तों ये देखो कौन है, ये देखो। अरे गरुड़ा जी कैसे हो आप? अरे एकदम मजे में। आप देखो हम एक दूसरे को हाईवे पे दिखे। अरे मुझे मालूम था मेरे को दिखेंगे क्योंकि वो रास्ते में ही था ना, वो रिलायंस वाला विषय। हाँ। मैं देख रहा था गाड़ी पर मिली नहीं, पर आपने देखा ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। पर ये गाड़ी किधर रखेंगे? चलेगा क्या ही बोले, एक साथ ही जा रहे। देखो इसको बोलते कोऑर्डिनेशन। आपण आता जवळ आलो एकदम मॉलच्या, आणि मेन गोष्ट काय माहिती का, आपली दुसरी गाडी पण समोरच आहे आपल्या सोबत, म्हणजे कन्फर्म एकदम आपल्याला रस्त्यात भेटले आणि करणने ओळखली गाडी आणि त्यांनी पाठलाग केला आपला। आपण पुढे होतो, आपण आता त्यांच्या मागे गेलोय कारण कसं आपली गाडी तिकडे रजिस्टर वगैरे नाहीये, तर गपचूप गाडीमध्ये टाकावी लागेल, ते खूप मॅटर होणार आहे। आणि ते मॅटरपासून वाचण्यासाठीच आपल्याला यांच्या मागे जावं लागेल। आता जाऊया आपण यांच्या मागे। मित्रांनो आपण पोहोचलोय, हम लोग पोहोच चुके है अपने डेस्टिनेशन पे। और ये सामने जो दिख रहा है सी वुड्स मॉल, और ये अपनी एक गाड़ी, ये अपनी दूसरी गाड़ी और तीसरी गाड़ी और पीछे। तो अभी जैसे कि मेरी शादी है तो मैं शादी का इन्विटेशन इधर ही देने वाला हूँ श्रीमान को, क्योंकि मैंने ये पहले से तय कर लिया था कि मैं उसको इन्विटेशन दूंगा तो सी वुड्स मॉल के नीचे ही दूंगा। तो अभी मैं इधर ही उसको इन्विटेशन देता हूँ। आपल्या घरी लग्न आहे, भावाच्या लग्नाला नक्की यायचं। अरे ऋग्वेद आणि हर्षिता तुमच्या दोघांच्या लग्नाला येणार आहे वेगवेगळा, फुल इक्सेल बांधिलकीचा विषय। अरे भावाच्या लग्नाला बोललेलो येणार। अरे अरे अभिचं लग्न आहे, सॉरी सॉरी सर। चिरंजीव अभिजीत आणि चिसौदा ही काय विचिता हर्षिका कोण आहे ते कुठलं स्टेशन? मला उदरी उदरी ऑफिस आहे, हरचं नाव मला दिसलं ना पाहिजे, तुम्ही काही बोला लग्नाला यायचं नक्की, पतूला पण घेऊन यायचं। आणि पतू जर आलास तर जेवल्याशिवाय जायचं नाही, हा आता आलायस तर घेऊन जा ना। ये देखो दोस्तो, ये कब से आधा घंटा हो गया गाड़ी लगा रहे, इसकी लेवल ही नहीं है। ये गांव खेड़े गांव में गाड़ी चलाने के लेवल का है बस। उधर कैसा भीड़ नहीं रहती ना, इधर हमने ऐसे रफा रफ चिपकाई गाड़ी। ये देखो और आगे उनकी हालत हो गई है,
क्योंकि वो लोग बोल रहे कि ओवर क्राउडेड होने वाला है विषय, तो इसीलिए हम लोग इधर छुपे हैं। तो इधर से हम लोग निकलेंगे नाइटा लेके, ये देखो नाइटा शॉप भी है इधर, बस बाकी कुछ नहीं। अभी अपन भी बैठते गाड़ी में दोस्तों, इससे घटिया पार्किंग आपने कहीं देखी है क्या? ये देखो मैंने क्या बोला आपको, चार्ली चार्ली ने लगाया, गाँव खेड़े विषय। अरे वो कैसे गाँव खेड़े गाँव का आदमी है ये, देखो ये हमारे गांव में कैसे पार्किंग का कोई ये नहीं होता ना, इधर जाओ उधर जाओ, आठ छोड़ लगाओ पार्किंग, वही है वही है, ऐसा ही गाँव की स्टाइल रहेगा हम लोग का। मुझे लगता है एक हाथ बस आ गई ना तो ये आगे का उड़ा सब लेके पहुंच चुके हैं हम लोग मॉल सिने पॉलिश नेमेस्को नेमको 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 नमस्को। मुझे लगता है ना पहले जाके सर रिलैक्स होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ खाया नहीं पिया नहीं, फिर भी बाथरूम जाने की इच्छा हो रही है। पर अच्छा लग रहा है, लुक कैसा है दोस्तों बताओ। एक्चुअली आज मैंने अभी देखा कि सब लोग जैकेट वैकेट पहन के, और मैंने आज ऐसा टी शर्ट वाला थोड़ा सा वो लो कॉलर वाला टी शर्ट पहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा रिलैक्स जाएंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी जैकेट वैकेट तो पहनेंगे ना, आराम से पहनेंगे। बाकी लुक कैसा है और ये गॉगल कैसा है, ये स्पेशल वो इसका है गॉगल सीरीज है एवेंजर्स ऑप्टिकल, क्या है क्या है इसको, ओपीएम वो उनके को पार्टनर है, तो उसमें से एक गॉगल है। वो रोने लगा देखो शिवान को देख के, देखो इधर तक पानी आ गया उसका, इधर इधर पानी आ गया है, देखो कितना रोया है, देखो इधर तक पानी आ गया, बहुत रो रहा है बहुत रो रहा है, उसको दर्द हुआ है, दर्द एकदम दिल से दर्द हो रहा है। और कुछ भी चॉकलेट भी दिया उसने, पेन भी दिया और एक कागज भी दिया, और अभी पानी खुद भी पी रहा है और सुमन को भी पानी पिला रहा है। देखो देखो अच्छा बंदा है एकदम, सच्चा और अच्छा बंदा है सच्चा। वो देखो छाती में उसको दर्द हुआ है फिर भी वो रो रहा है, ये देखो छाती निकाली पूरी। अरे ये बंदा ये कौन आ गया रे साला, लंबिया राजस्थानी है क्या, शट यार पूरा सीन, थोड़ा जूम मार जूम मार। उसको छाती में दर्द है दोस्तों, और ये देखो ना, आओ मारो पधारो मारो दे समा, क्या यार उस बंदे ने वाट लगा दी अंदर ही, क्यों उधर खड़ा है वो यार, क्या ही बोले उसको। ये मेन सीन था, यानी अच्छा वाला सीन था, वो दर्द उसका, वो दर्द वो निकल रहा था, तो वो श्रीमान कैसे दर्द निकलता है वो आप देख सकते थे थेरी भी, पर ये साला इस बंदे ने पूरा वाट लगा दिया। शट यार ये कौन है वाइट वाला, ये उसको साला कुछ खा रहा है साला, जुबा केसरी वाला है बंदा है शायद, जाने दो चल। मुझे लगता है वो थेरेपी पूरी हो गई है और वो नॉर्मल हो गया है, देखो नॉर्मल हो गया बंदा, तो ठीक है रिलैक्स 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 रिलैक्स। गाना भी खतरनाक है और पूरी अपनी फैमिली यहाँ पे रेडी है, पूरी फैमिली खड़ी है खतरनाक लेवल पे, उनको बहुत प्यार सबको, क्योंकि प्यार नहीं दिया तो कुछ नहीं दे सकते अपन, प्यार ही है जो फ्री में दे सकते और फ्री में ले सकते। अभी गाड़ी कहाँ पे लगा है, तो पीछे तो BMW आ गई, लफड़ा ही है गाड़ी लगाने का, चलो देखते हैं किधर तो लगा दे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं, सबकी गाड़ियां तो लगी है यहाँ पे, लाइन में गाड़ी है और वहाँ पे श्रीमान भी खड़ा है, और ये सीवू मॉल के एकदम सामने, ये देखो कौन है वहाँ पे, रियल श्रीमान है, और यहाँ पे फ्लेक्स पे श्रीमान दिख रहा है। इधर बहुत बड़ा, इधर
उसके सामने और बहुत जगह पे बैनर लगे, फ्लेक्स लगे खतरनाक लेवल का। यानी ये मॉल इतना बड़ा और इसके सामने, यानी भाई को इज्जत तो है और प्राइस को भी इज्जत है। साला 7 लाख मिलते ना तो मैं ये गाड़ी लेता फिर, क्या बोलता है? जो आपने अभी तो चाबी है मेरे हाथ में तुरंत। ये अपने श्रीमान फैमिली के बंदे, इनको बोला साला गाड़ी भी तू लेके आया, ये मेरा फेवरेट ब्रांड लेके आया। बट ठीक है, वो बोल रहा है क्या, अरे दादा चलो ना, चलेंगे एक दिन, ये भी चलाएंगे। अपना भाईंदर वाला भाई है, वो भी कब से बोल रहा है कि भाई कब आओगे, और ये देख के ना एकदम मज़ा डबल हो गया। डबल लुक कैसा वो भी बताओ, एकदम सिंपल एंड सोबर वो भी बताओ कमेंट में। तो दोस्तों ये देखो कौन आ रहे है, कमाल ही है यार, ये भी इधर पहुंच गए अपने श्रीमान फैमिली के बंदे। अच्छा है, खाली पानी है क्या, जूस बीस का है ना क्या? जूस बीस नहीं है, वो मैं करेंसी एक्सचेंज करा लगे लो तो थोड़ा ना। तो मित्रांनो, आयुषला घ्यायला आयुषची मम्मी पण आले असं वाटतंय, पण काय माहिती आता आयुष काय करतोय काय माहिती, जातोय की राहतोय ते। पण श्रीमाननी त्याचं काम केलं आहे, स्वतःचं गळ्यातलं ताईत त्यांनी आयुषला दिलं। आणि मेन गोष्ट ही आहे की बॅनर बघितलं का, की इकडे ह्या मॉलच्या समोर आपल्या भावाचं बॅनर लागले, खतरनाक वाटलं, प्राऊड फील होतंय, मचवतोय भाऊ एकदम खतरनाक। बहुतेक आता जाण्याची वेळ आली आपलीमध्ये, पण काय माहिती आपली पोरं जाऊन देतात की इथून रिटर्न जावं लागते काय माहिती, बघूया। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये भी दिखता है वाशी का मेन नगर अध्यक्ष, और यहाँ पे ये भी है गेमिंग लाइव अपना भारतीय झंडा। ये देखा क्या, ये देख ये देख ये देख अपना भाई, वो चौथा इधर का फोटो गरुड़ा रहेगा भैंडी 100% बोल रहा हूँ आपको। और 5 नंबर पे तू है क्या, कह रहे 5 नंबर पे रहेगा तू या 6 नंबर पे रहेगा? 5 नंबर पे चार्ली को रखते हैं मेरे को पर ये फोटो देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना इधर ही रुके और ये फोटो देखते रहे यार, खतरनाक। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बैठा हूँ और बाकी लोग दूसरी गाड़ियों में बैठे, क्योंकि वो गाड़ी पैक की तो हम लोग यहाँ पे बैठे। और ये भाई बोल रहे हैं कि अपनी पब्लिक कंट्रोल नहीं हो रही है, फिर भी ट्राई करेंगे। और हमारे सारथी हमें लेके जाने वाले मॉल में, अभी देखते हैं कैसी एंट्री होती है, ऐसे शान से होती है या ऐसे ऐसे होती है, देखते हैं अभी कुछ नहीं। तो ये देखो ये हमारा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, कल हमने हमारे सीएम साहब के साथ उनका कॉन्फ्रेंस शेयर किया था, आज यहाँ पे ये शेयर कर रहे हैं। ये एकदम सब टूरिस्ट वाला कॉन्फ्रेंस लग रहा है, खतरनाक लग रहा है, इतने दूर गाड़ी लगा के जाने को त्रास तो है। अभी मेन चीज क्या है भाई, निकलने का क्या सीन है, निकलने का हाँ, इतनी दूर तो गाड़ी रखी है, निकलेंगे कैसे? जैसे कुछ रहे वैसी कोशिश करेंगे कि निकल भी जाए मुझे लगा ये शॉर्टकट मार रहे हो आप लोग कि उधर से डायरेक्ट एंट्री विंट्री। भाई निकलने का तो टेंशन ही आ रहा है, क्योंकि गाड़ी तो 2-1 किलोमीटर बाहर है, लफड़ा होने वाला है आज, आज की रात यही पे। इधर से वो नीचे जाए। तो ये है दोस्तों मॉल, और ये है अपने भाई का फोटो यहाँ पे, क्योंकि देखना था हमें एकदम पास से, देखो इधर भी है क्या, नहीं इधर ही एक साइड है। भाई हम लोग अभी आ गए हैं मेन एंट्री पे, और एंट्री पे डर लग रहा है, खौफ, इधर तो अपने पब्लिक रहेगी, वो ये किधर है, वो स्टेज किधर है, एंट्री पे या ऊपर है? ग्राउंड फ्लोर पे ही है क्या? वहाँ पर खतरनाक रिस्क लिए आपने फिर, रिस्क यहाँ से भी पार्किंग क्या, बस तो गोल गोल घूम रहे हैं हम लोग, किधर से जाना है कहाँ पे निकलना है,
क्या है मालूम, मुझे लगता है कल तो ये बंदे आए थे शायद यहाँ पे देखने के लिए। हाँ तो कल मुझे लगता है मुझे आना चाहिए था, मैं वो छुपा रास्ता किधर से ढूंढ के निकाल दूँ। कल भी आपने देखा होगा हम लोग जब गए थे डीके साहब के देवी के यहाँ पे, तो वहाँ पे कैसे वो चोर वाट निकली, एक नंबर खतरनाक एकदम। तो दोस्तों अभी हम लोग मार रहे एंट्री दूसरी जगह से, रिलैक्स एंट्री, रिलैक्स एकदम रिलैक्स ही इधर। नोबिया दादा एकदम अलग जम्बूरा लग रहा है, एकदम अलग लेवल पे। अरे भाई सब आगे चेकिंग है तो ऑनलाइन चलो और देखो लाज जलेबी को लेके आओ, जलेबी को हमें लेके आ गाइस। वन बाय वन कर दो डक डक जलेबी को लेके अंदर जाइए। अरे चालू है कैमरा सब। Let's hear it for our streamers! Digital Level Up, presented to you by Reliance Digital. The stage cannot get any bigger than this. This is what you all waited for. इसी का इंतजार कर रहे थे आप। और आप शोर से इनका स्वागत करिए क्योंकि यहाँ एक बहुत जबरदस्त कॉन्टेस्ट शुरू होने जा रहा है। Streamers Showdown, Battlegrounds. मोबाइल इंडिया का ये मुकाबला बेस्ट ऑफ फाइव का टीम और फाइव मुकाबले में Wolf is life to peace.
take up your respective seats. मित्रांनो आपण आता सगळी पब्लिक आहे ना पुलीचा देऊ सगळ्यांना आणि सगळी जणी इथून तिथून बघतायत तर आपण सगळ्यांना एकदम डेंजर लेवलचं प्रेम देऊ आणि कमेंट मध्ये सांगा कोण कोण दिसलं ते बाकी काय विषय नाही हे वरती 3 मजले भरलेत और क्या चाहिए और कौन सा प्यार चाहिए यार पर अभी मैटर ऐसा है कि श्रीमान आएगा तो आएगा कैसा यहाँ पे भी गरी है यहाँ पे अपने नमूने अभी देखते क्या मचाते हैं ये लोग यहाँ पे एकदम नेक्स्ट लेवल प्यार मिल रहा है चारों तरफ से सब लोग कर रहे भाई और आएगा तू साले तू गया पंच मुमकिन है तो एक बार इलाज की जगह के लिए जोरदार तालियां और उनके साथ ही साथ इंटेल हाइपर एक्स एंड ऑफ कोर्स दिस ग्रैंड इवेंट इज पावर्ड बाय ओमेन एंड द वंडरफुल नेक्सस सीवुड्स के इस महामंच पर आप सब उपस्थित हैं तो सीवुड्स के इस ब्यूटीफुल मॉल के लिए जोरदार तालियां तो इतना डर लग रहा है ना भाई कौन जाएगा यार आगे बांधिल की भाई किधर से आएगा तू साले तू गया दोस्तों ये सामने जो चल रहा है ये अगर ट्रॉफी अपने यहाँ पे आई ना भाई तो मुझे लगता है आज वैसे ही पार्टी ही होने वाली है क्योंकि ट्रॉफी देख के एकदम खतरनाक लग रहा है सालो कुत्तों कमेंट करो कमेंट इनको
बैठा है उसका कुछ तो विषय लाया इन्होंने, खतरनाक खतरनाक। I think the audience is definitely louder than me, right? 100%. No chance. Even if I scream into the mic, I can't match that level. 100%. Well, let's begin, ladies and gentlemen. Shuru karte hain. Win this TVM battle. Team A versus Team B. We are going live. Santap. Cheer kara, cheer kara. अगर ये गेम मुझे खेलने को दिया नाम नहीं आएगा लेकिन अंदर वाली पोजीशन पे आ जाएंगे तो मित्रांनो पहिली मॅच झाली आणि टीम बी चे पॉइंट काहीतरी राय देती है प्लेयर्स ने भी अपना सेटअप कर लिया है आई थिंक याला बोलतात असली फॅन टीम आहे जिंकणं खूप कठीण आहे तरी पण पॉवर has got to be my MVP. It's not about the finishes, it's just about how well you played the map and played off the team. With that, Team B are the winners of your TDM show match. It was, well, everything that the fans did want, but मारामारी में अपने बंदे ऐकते नहीं थे पुलिस साले डंडे बिन्ने गाउटी स्टाइल में मारने को उनको मजा आता है ऐसा लग रहा है पैन कांटी बीटी बाम्बू बिम्बू से मारने में अलग ही मजा है अबे सालो इनमें तो जीतो अरे जीतेंगे या नहीं आयुष जीतेंगे या नहीं लेवल टू लेवल चल रही है मुझे ऐसा लगता है मुझे भी यहाँ कमेंट मारना पड़े ये डेंजर मैच है भाई दोन बट्टे लाग ले रहे भाई दो बट्टे में लगे भाई अभी मुझे लगता है अपनी टीम रिवर्स गियर डाल रही है इनकी ताकत थोड़ी कम पड़ रही है और कुछ नहीं भाई अभी कौन कौन नोबिता नोबिता साला पैन लेके इधर उधर घूम रहे है कि भाई किधर अंडा बनाओ किधर अंडा बनाओ ये पैन तो है मेरे पास भाई मारा यार मारा 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 ये मयूर भाई डेंजर है वो कंटिन्यू मार रहा है क्या जड़ी बूटी खा क्या है क्या मालूम भाई गो 12 12 पे गई भाई अपने अभी 12 बजने वाले ऐसा लग रहा है मुझे टीममेट गई और अपनी टीम तो गई ऐसा लग रहा है रे भाई तो अपने तो तुम्हें बंद कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अनहोनी होने वाली है ताकि कोई
अपनी टीम जा रही है दोस्तों, कुछ दिख रहा है तो ठीक है, अपनी टीम मयूर भाऊका मानल काहीतरी जडी बुटी घेतले मयूर भाऊ मयूर भाऊ आहे इकडे बघलं ना आपण पण ऐकत नाही 24 ओव्हर 24 19 बघूया काय होते पुढच्या ओव्हर मध्ये आता 34 ओव्हर आहे गोल आहे 40 चा आणि 25 ओव्हर 4 मिनिट 57 दोस्तों हमारे हार में ही हमारी खुशी रहती है, बाकी कुछ नहीं, हम हारे पर जीतने के लिए हारे क्योंकि नेक्स्ट टाइम इससे बड़ी टूर्नामेंट जीतेंगे हम लोग, ये मेरा वादा है इन सब कमीनों से। भाई सांत्वन चल रहा है, सांत्वन जीतने के बाद हर टीम जो करती है वही चल रहा है कि बंदे बहुत अच्छे खेले और बिरयानी बहुत खाई, पर थोड़ा सा हार्ड लक, बाकी कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा विषय। ये होते स्पिरिट, जीते हैं लेकिन अपने अपोनेंट्स को, अपने ये देखिए आपका चोपड़ा जी, भाई अभी इनको फोटो सेशन चल रहा है, तब तक अपुन अपना अलग लेवल का माहौल बनाते हैं, आते हो जाते हो अपना अलग लेवल का माहौल बनाते हैं, यहाँ पे इनका फोटो सेशन चल रहा है और देखो इधर पब्लिक आरामत आरामत भाई, श्रीमान फैमिली बोले तो तकलीफ। जितनी नीचे उतने ऊपर है बेटी, एक लेवल है रे, एक लेवल है, ये क्या कर दिया है रे, अभी कैसे आए रे भाई सभापति जी के बेटे, कैसे आए भाई। तूने क्या कर दिया रे, कौन सा भी बॉल नहीं छोड़ने का लगता है साला कुत्ता भाई, जिधर भी देखो अपनी श्रीमान फैमिली एकदम डेंजर लेवल पे, फुल सपोर्ट यार, इसको बोलते हैं सपोर्ट। मुझे लगता है श्रीमान को अभी एमएलए एमपी बीपी कुछ तो बनना ही चाहिए भाई। मित्र
मित्रांनो आपल्याला आता निघायचं इथे, कारण पप्पा आ रहे पप्पा, तो इसलिए आपण निकलते. पर इन सबको पूरी इज्जत, सबको इज्जत. भाई श्रीमान की पब्लिक बोले तो तकलीफ, डायरेक्ट स्टेशन के इधर हम लोग आए, अभी इधर से फिर से अलग लेवल की एंट्री एक्सिट मार रहे भाई इधर. और ये सब अपने श्रीमान भाई इधर गए क्या, इधर जाना है क्या भाई, बोल अभी हम लोग भाग रहे फिर से यहाँ से भागते जाएंगे बेसमेंट्स और सीमेंट्स कॉन्क्रीट्स इधर से क्या मालूम, पर भागने को बोला है तो भाग रहे. अच्छा है कि गॉगल नहीं टूटा, घड़ी नहीं टूटा और मोबाइल भी नहीं टूटा. पर रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था. रिस्क है तो रिस्क है रिस्क. ये देखो पहुंच गए हम लोग एकदम एंड. हाँ रिलैक्स रिलैक्स, हम रिलैक्स है उसका क्या करेंगे. आवडले तर नक्की आम्हाला नाही करत चल भेटू बिंदास करत राह, नाही बघितले तरी आपण टाकत राहतो. मित्रांनो आपली श्रीमान फॅमिली इकडे जाऊ तिकडे येते, डेंजर लेवल मित्रांनो तुम्ही बिलीव पण नाही करू शकणार आम्ही अशा ठिकाणी आहोत. तुमचं काय बॅक ऑफिस आहे की काय, हे आमची पॅन्ट्री आहे, ते आमचं मॉल ऑफिस. मॉल ऑफिस बॅक साईडला तर मला नाही. आम्ही आता मॉल ऑफिसमध्ये आलोय. तुम्ही थोडा वेळ आधी बघितलं आम्ही डायरेक्ट स्टेशनवर होतो, तिथून मध्ये आलो, मधून आम्ही गेलो खाली पार्किंगमध्ये, पार्किंगमधनं आता आम्ही मॉल ऑफिसमध्ये. रिस्की काम झालं आहे आणि श्रीमान कंटिन्यू गाडी घेऊन फिरतोय गोल गोल आणि झोपून राहिलं आहे गाडीमध्ये. काय होईल त्याचं काय माहिती, बहुतेक असं वाटते आम्हाला पण जावं लागेल तिकडे. मित्रांनो इथे सगळे चांगले, हे सर आमच्या सोबत आहेत जिओवाले सर आहेत आणि इथले हे स्टाफ आहेत, त्यांनी पण खूप मदत केली आम्हाला, पाणी नाश्ता वगैरे सगळे विषय करून दिले. जेवलो नव्हतं, आता जेवण नाही तर हे तरी खाऊ आला विषय असा. मित्रांनो इथे आम्ही नाश्ता करत होतो पण एक बॅड न्यूज झाली, इव्हेंट आपला कॅन्सल झाला आणि श्रीमानची एंट्री नाही होऊ शकत.
कारण पोलीस पण खूप आले तिथे आणि मॅटर झालं, ओवरलोड गर्दी झाली, बाउन्सर्स पण कमी पडले, त्याच्यामुळे आता नो चान्स टू मीट अजून काहीच बोलू शकत नाही. आम्ही खूप ट्राय करत होतो, आम्ही आता ॲक्च्युली मॉलच्या ऑफिसमध्ये होतो, इथे पण 30 बाउन्सर्स तयार होते पण पोलीस आले आणि शेकलो. तर समजून घ्या मित्रांनो, श्रीमानला भेटायची खूप इच्छा होती, श्रीमान अजून खाली लॉबीमध्ये आहे पण आपण काहीच करू शकत नाही. मित्रांनो आम्ही निघतो इथून फायनली, कारण खूप गर्दी झाली होती आणि लिमिटच्या वरती गर्दी झाल्यावर शेवटी प्रशासनावर खूप लोड येतो, त्याच्यामुळे काहीच करू शकत नाही आणि पोलीस स्वतः आपल्यासोबत आहेत, सगळी सिक्युरिटीसुद्धा आपल्यासोबत आहे पण काहीच करू शकत नाही. खूप प्रेम आपल्या श्रीमान फॅमिलीला, खूप डेंजर प्रेम दाखवलं तुम्ही पण तेच प्रेम आपल्याला कुठेतरी भोवलं. एक अंदाज होता की 2000 तेवढी कॅपॅसिटी होती, तेवढी सहनशक्ती होती पण आपले तर जवळजवळ 7000 झाले, त्याच्यामुळे काहीच नाही. आपली गाडी आहे पण निघूया इथून. जय हिंद दोस्तो. मॉल बिचारा वही का वही रह गया और पब्लिक इधर उधर बिखरी पड़ी है. देखो पब्लिक इधर उधर बिखरी पड़ी है क्योंकि जैसी पुलिस आई तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, यानी पब्लिक ज़्यादा ही हो गई, उस वजह से तो सबको बाहर निकलना पड़ा. ये देखो इधर अपनी पब्लिक है ना, मैंने देखा वो नीचे भी थी और यहाँ पे भी थी, यहीं से एंट्री की थी हमने. अगर मुझे लगता है श्रीमान को भी उसी टाइम लेके जाते ना तो कुछ तो बन सकता था, पर अभी जाने दो, इससे भी भव्य दिव्य एंट्री रहेगी उसकी. जिथे फिकला नाही ते करणला तिकडे आता कसं झालं मला दाबलं पब्लिकने, फिकला डायरेक्ट त्याला अक्षरशः. सगळ्यात जास्त आज करणनीच घाल्लाय मार लोकांना, म्हणजे माहिती आहे का करणू 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 ना जास्त फोकस मध्ये येतो. हा मग तेच तर डेंजर असते, जो जास्त फोकस मध्ये येणार ना. इयर पेसला ओ गुरु इयर पेसला पडून ना बाबू काय इयर पेसला आता ते मागे आहेत. ठीक आहे मित्रांनो, आय थिंक ही श्रीमानची गाडी आणि आता हे साहेब पण आलेत आपल्यासोबत भेटायला श्रीमानला. खूप प्रेम, खूप प्रेम बाबानो. आता अजून काहीच नाही करू शकत, त्यांना भेटून येऊ का मी पटकन. आम्हाला कोण बोलवायचं लवकर पण म्हटलं एंडला श्रीमान येईल तेव्हा मजा होईल म्हणून आम्ही थांबतो. थँक्यू भाई. चलो भाऊ वरतून दाखवत होतो तो बोललो मी 2 वेळा दाखवतो. अरे मित्रांनो, भले मॉल बंद झाला, भले तिकडे केस पडल्या पण इकडे मीटअप चालू. साल्टी गेली तरी चालेल, श्रीमान आता भेटलाच पाहिजे. साल्टी गेली असं नको रे बोलू, याच्यातच इन्स्पायर होतात पोरं आणि बिचारा त्यालाच बाहेर नाही येत. मित्रांनो हा ड्रेस स्किप करा, नेक्स्ट इव्हेंट मध्ये बघा. तो बिचारा बोलला की असा ड्रेस आणलाय ना वाप. जाऊ दे विषय क्लोज, तिकडे आपली फुल फॅमिली आणि हा ह्याला कुठेतरी बघितल्यासारखं वाटतं. दट सर्व्हर मध्ये 2 नंबरच हेटर म्हणजे हेट पसरवणारा 2 नंबर, याला अवॉर्ड गोज टू मिस्टर लक्ष्मण गेमिंग. फोटो भेटेल का मला सर? फोटो द्या ना. जी जी
हाँ पण हेटर आहे भाई भाई हेटर आहे का हेटर टीम मध्ये हा विषय नाही याला पण एक अवॉर्ड भावानो लातूर वरन तर तुम्ही बघितले हे आपला आपला कोकण इथून आले कोकण आमचा सो हा कोकणातला आले यांना पण फुल एम एच 08 फुल इज्जत टेन्शन घेऊ नका भावानो एम एच 08 मी पण आहे पण ते सगळं हाईड आहे ते नंतर हळूहळू आपण भविष्यात बाहेर काढू ना असं विषय बाकी काहीच नाही खूप रे भावा आणि या दोघांना तर काय बोलू यार या दोघांनी तर म्हणजे यार पप्पा आणलेत रे एक पप्पा इकडे आणि एक पप्पा इकडे आपल्या समोर यार ही गाडी म्हणजे काय बोलणार यार खतरनाक म्हणजे हा पप्पा पण बापच आहे पण हा पप्पा जरा जास्तच आवडतो मला आणि खास गाडी घेऊन आला आहे माझ्यासाठी तो अजून काय पाहिजे सकाळी संध्याकाळी त्यांनी आणली होती BMW आणली होती आणि आता आणले NDA1 हे 3.2 का रे बाप रे 3.2 अच्छा गावात अरे मग आधी का नाही भेटला तू पावसाळ्यात ते एन्जॉय केला असतो ना अख्खा पावसाळा मी बसून काढलाय भावानो कारण आपली जिप्सी पण आज डॉक्टरकडे होती 3.2 होती सांगायचं तिथे होतं ऑफ रोडिंग केली असती गावाला भीमासन करला अरे तुला मी नेतो ना एका ठिकाणी बाप ऑफ रोडिंगला पोलीस जात ना तर तू एवढी आणलीस पण मग तू राग नको माणूस मी गाडीत बस आयुष घे व्हिडिओ जरा मला द्या तुमचं नाही रे चावी घ्या जस्ट मित्रांनो त्यांनी एवढं प्रेमात आणले गाडी तर आपण गाडीला नाही बोलू शकत एक वेळ मला तिकडे मेकअपला नाही नेला चालेल पण गाडी शेकलो एक जस्ट गाडीमध्ये बसून एक सेल्फ मारू आणि मजा घेऊ बस आधी लाईट लावून थांबतो लाईट लावून पटकन क्लिअर दिसेल मित्रांनो मला आताच कळलं ही पोरं आहेत ना सगळी ही डेव्हिलच्या मोबाईल वर फोटो काढतायत आणि नंतर ते बोलतात की काय टेन्शन नाही डेव्हिल आम्हाला पाठवेल ग्रुपवर अरे मी येतोय पण डेव्हिलचा ग्रुप आहे आणि त्याच्यावर तो यांना सगळ्यांना फोटो पाठवतो म्हणजे डेंजर काम आहे कोणी गिफ्ट दिला तुला कुठल्या बहिणीने दिला एकच बघ बाकी सगळ्या बहिणी मी आता सोडून दिलंय पप्पा बोले एक पण बहीण पाहिजे बोलले मला पप्पा चला 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 अजून दोन चार बहिणी रुचिताजी बाय बाय रुचिताजी HDFC बाय बाय कॅमेरा